हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेशनेट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लघु बीजाणुधारी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है आपके बोर्ड एग्जाम का। लघु बीजाणुधारी से टिप्पणी भी आती है और लघु बीजाणुधारी से विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। लघु बीजाणुधारी है क्या, पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्या होता है, पुष्प में जो नर जननांग होता है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, उस पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है तंतु और एक होता है परागकोश। एक होता है तंतु और दूसरा होता है परागकोश। अब इस परागकोश में, इस परागकोश को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हमको दो पालियां दिखती हैं। कितनी पालियां दिखती हैं, दो। आप दो पाली देख सकते हो, है ना। एक पाली आपकी ये हो गई और एक पाली आपकी ये हो गई, यानी दो पालियां अर्थात दो लोग देखने को मिलते हैं। और प्रत्येक पाली में है ना, जैसे एक पाली है, प्रत्येक पाली में दो कोष्टक। कोष्टक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थीका, या इसे हम लघु बीजाणुधारी। लघु बीजाणुधारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। और जब हमको एक पाली में दो लघु बीजाणुधारी मिलेंगी तो पूरे परागकोश में कितनी मिलेंगी, आप कहोगे सर चार मिलेंगी। अब क्या होता है इस लघु बीजाणुधारी में, अब लघु बीजाणुधारी कौन सी है, ये देख सकते हो, ये है लघु बीजाणुधारी। तो लघु बीजाणुधारी कितनी हो गई, चार। एक दो तीन चार, कितनी हो गई, चार। इस लघु बीजाणुधारी में क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। लघु बीजाणुधारी में क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन से परागकण जिसे बोलते हैं लघु बीजाणु बनते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लघु बीजाणुधारी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे परागकण यानी लघु बीजाणु बनते हैं। याद रखना, परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। अब देखिए, लघु बीजाणुधारी में चार परतें पाई जाती हैं, है ना। लघु बीजाणुधारी में कितनी परतें होती हैं, आप कहोगे सिर्फ चार परतें होती हैं। चार परतें कौन कौन होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से टिप्पणी बनती है, टेपिटम से। कहां से बनती है, टेपिटम से। चलिए हम चारों परतों के काम को समझते हैं, है ना। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होती है, एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होती है। इसका काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। फिर आती है एंडोथीसियम, ये दूसरे नंबर की परत होती है, इसका भी काम सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन इसका एक काम और है, परागकोश के, है ना, परागकण को परागकोश से अवमुक्त करना। परागकोश से परागकण को अवमुक्त करना, याद रखना, परागकण होता है उसको परागकोश से अवमुक्त करती है, यह भी इसका काम है। तीसरी आपकी परत होती है मिडिल लेयर, कौन सी होती है, मिडिल लेयर, है ना। ये दो से तीन परतों की बनी होती है और ये तीसरे नंबर की परत होती है। किस नंबर की परत होती है, तीसरे नंबर की परत होती है। इसका भी काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन इसका एक काम और है, योजी से भोजन लेकर टेपिटम को देना, योजी से भोजन लेकर टेपिटम को देना। अब चौथे नंबर की परत होती है टेपिटम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से सीधा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, टेपिटम पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है। अब टेपिटम क्या होता है, टेपिटम उपापचय रूप से सर्वाधिक सक्रिय होती है, पहला पॉइंट। ये बहुकेंद्र की परत होती है, कैसी होती है, बहुकेंद्र की परत होती है। अब इसके कार्य क्या क्या है, पहली बात तो है ये विकसित हो रहे परागकण को भोजन देती है, परागकण को भोजन देती है, भूलना नहीं। दूसरा इसका काम क्या है, परागकण के एग्जाइम की हिंदी होती है बाहचूल का निर्माण करना, परागकण के बाहचूल का निर्माण करना। दूसरा पॉलन किट का निर्माण करना और तीसरा होता है कैलेज एंजाइम का निर्माण करना या स्राव करना, ठीक है ना। इस प्रकार आपको यहाँ पर दो से तीन प्रश्न बोर्ड एग्जाम में दिख जाएंगे, इसीलिए इस क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।